नमस्कार मित्रों, ओएलआई की एनटीएसी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एनटीएसी सीरीज में ऑड वन आउट यानी भिन्न पदों को देखेंगे। इसमें आपको चार विकल्प दिए रहेंगे, बाकी तीन समान होंगे और कोई एक भिन्न होगा। आपको उन्हीं भिन्न पदों को पहचानना है। आज का मेरा उद्देश्य आपको बस कुछ अच्छे प्रश्न का अभ्यास कराना है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि आप स्वयं ही अभ्यास से जान पाएंगे कि उत्तर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार पद दिए गए हैं, उनमें से तीन एक समान है किंतु एक भिन्न है, और दिए गए विकल्पों में से भिन्न पद को ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम विकल्प देख लेते हैं। तो यह हमारे चार विकल्प हैं, सेकना जिसको हम अंग्रेजी में बेक कहते हैं, छीलना यानी पील, तलना यानी फ्राई, और उबालना यानी बॉयल। तो दोस्तों यदि आप देखें तो सेकना, तलना और उबालने में अग्नि की जरूरत पड़ती है, यानी हमें आग की जरूरत पड़ती है, लेकिन छीलना वो हम हाथ से करते हैं, उसमें हमें किसी भी आग की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा सही उत्तर बी यानी छीलना होगा। दोस्तों प्रश्न तो आप जान चुके हैं, तो मैं अब आपके सामने सीधे विकल्प रख रही हूँ, रेशम, ऊन, चमड़ा और रबड़। यदि आप गौर करें तो रेशम, ऊन और चमड़ा जो है यह हमें जानवरों से ज्ञात होता है, किंतु रबड़ जो है यह हमें पेड़ों से ज्ञात होता है। तो हमारा सही उत्तर डी यानी रबड़ होगा। हमारे अगले विकल्प यह है, ए जी एच बी, ई यू वी एफ, जेड ए जेड बी, सी के एल डी। दोस्तों अब हम इनमें कुछ पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। ए है, बी है, ए के तुरंत बाद बी आता है, उसके बीच में जी और एच रखे गए हैं, जी के तुरंत बाद एच आता है। उसी प्रकार से यदि हम ऑप्शन बी को देखें तो ई है और सबसे आखिर में एफ है, ई के बाद एफ आता है, उसके बीच में यू और वी को रखा गया है, यू के बाद वी आता है। उसी प्रकार से हम यदि सी के एल डी को देखें, जो हमारा ऑप्शन डी है, तो सी है, सी के बाद डी आता है, और के है, के के बाद एल आता है, किंतु जो ऑप्शन सी है, जेड ए जेड बी, यह इस पैटर्न को मान नहीं रहा है। तो हमारा भिन्न पद जो है वह सी यानी जेड ए जेड बी होगा। दोस्तों यह पूरा वीडियो ही भिन्न पद को ज्ञात करने के लिए है, तो मैं आपके सामने सीधे विकल्प रख रही हूँ, तांबा, कार्बन, चांदी और सोना। यदि आप गौर करें तो तांबा, चांदी और सोना धातु यानी मेटल्स हैं, और कार्बन जो है वो अधातु है। तो हमारा सही उत्तर बी यानी कार्बन होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे विकल्प हैं 121, 153, 145 और 177। तो आप यदि थोड़ा ध्यान दें तो 121 जो है वही किसी अंक का वर्ग दिख रहा है, 11 का वर्ग है, बाकी कोई भी नंबर जो यहाँ पे है वह किसी का भी वर्ग नहीं है। तो यदि आप देखें तो 121 को हम 11 × 11 लिख सकते हैं, लेकिन 153, 145 और 177 किसी के भी वर्ग नहीं है। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वो 121 होगा, यानी ए होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऐसे जो भिन्न पद ज्ञात करने वाले प्रश्न हैं वो कुछ कुछ बेहद ही आसान है। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि हमें इन चारों में से भिन्न पद को लिखना है, नाक, कान, आंख और हाथ। दोस्तों यह तो आपको बहुत ही आसान प्रश्न लग रहा होगा, क्योंकि नाक, कान और आंख जो है ये हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स यानी पांच इंद्रियां हैं, जबकि हाथ नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हाथ होगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह प्रश्न ऐसे एनटीएसई में थोड़ी पूछे जाएंगे, पर दोस्तों यह प्रश्न एनटीएसई में आ चुका है,
तो एनटीएसी कभी कभी बहुत ही आसान प्रश्न भी दे देता है। ये एक और प्रश्न देखते हैं, विकल्प हमारे यहाँ है। यदि आपने पिछला प्रश्न समझा है तो यह प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार है। यदि आप पहला विकल्प देखें तो ई है, ई के बाद एफ आता है, उसके बीच में टी और यू है, जी है, जी के बाद एच आता है, उसके बीच में टी और एस है, बी सी के बीच में वाई एक्स और एल एम के बीच में ओ एन। पर यदि आपने गौर किया हो तो विकल्प बी सी डी में जो टी और एस है, यानी वो जैसे ए बी सी डी में लिखे जाते हैं, उससे उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। यानी एस के बाद टी आता है लेकिन यहाँ पे टी एस लिखा गया है। उसी प्रकार से एक्स के बाद वाई आता है लेकिन यहाँ पे वाई एक्स लिखा गया है। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा भिन्न पद जो है वह विकल्प ए यानी ई टी यू एफ है, क्योंकि टी के बाद यू आता है, तो बाकी तीनों के हिसाब से इसे यूटी होना चाहिए था जबकि यह टी यू है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे विकल्प यह है ओ वी ओ टी टी ए सी यू यू ए एफ ए। दोस्तों यदि आप इसमें पैटर्न खोजने की कोशिश करेंगे तो यह पैटर्न नहीं मिलेगा। इसमें बस आपको यह देखना है कि हमारे जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो विकल्प ए में ओ जो है वह 2 बार है, विकल्प सी में यू 2 बार है, विकल्प डी में ए 2 बार है। तो विकल्प ए सी और डी में जो हमारे वॉवेल्स हैं यानी ए ई आई ओ यू, वह 2 2 बार लिखे गए हैं, किंतु विकल्प बी में जो है वो टी 2 बार लिखा गया है जबकि टी वॉवेल नहीं है। तो हमारा भिन्न पद बी यानी टी टी ए होगा। दोस्तों आशा करती हूँ कि अभी तक के सारे प्रश्न आपको आसान लगे होंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, विकल्प है सी ई आई क्यू एस एक्स जे एल पी और एम ओ एस। तो आइए इनमें कुछ पैटर्न, कुछ क्रम खोजने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यह देखिए, सी है, सी के बाद डी आता है, डी को हमने छोड़ के ई लिखा है, उसी प्रकार ई के बाद एफ जी एच को छोड़ के हमने आई लिखा है। उसी प्रकार सी और डी जो विकल्प हैं वह इस क्रम को का पालन कर रहे हैं, जैसे जे, जे के बाद के बाद एल को लिखा गया, एम एन ओ को छोड़ा गया, फिर पी को लिखा गया है। किंतु विकल्प बी जो है उसने 4 अल्फाबेट्स छोड़े हैं, यानी क्यू, क्यू के बाद आर को छोड़ा गया है और एस लिखा गया है, किंतु एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू 4 को छोड़ा गया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो भिन्न पद है वह बी यानी क्यू एस एक्स होगा। आइए अब एक और सरल सा प्रश्न देखते हैं। यह हमारे 4 विकल्प हैं और जैसा कि हम पूरे वीडियो में करते आ रहे हैं, हमें भिन्न पद को खोजना है। तो दोस्तों आप देखें, पहले हम क्या करते हैं, हमें यदि अंकों का कुछ भी सीरीज या पद मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनमें कुछ गुणा जोड़ भाग करके कुछ लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, विकल्प बी सी और डी में यदि हम 13 × 4 करें, उनमें उसमें 2 जोड़ दें, तब मुझे 54 मिलता है। उसी तरह विकल्प सी में यदि मैं 4 × 5 करके 2 जोड़ूं, तब मुझे 22 मिलेगा। और वही चीज विकल्प डी में भी पालन की जा रही है, किंतु जो विकल्प ए है उसमें मैं 4 × 9 करूं तो 36 आता है। यदि मैं 2 जोड़ूं तो 38 आना चाहिए, किंतु यह 37 आ रहा है। तो दोस्तों विकल्प जो भिन्न है वह ए है। दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। लेखक, प्रकाशक, प्रिंटर और पाठक। यदि आप इसमें देखें तो विकल्प ए बी और डी जो है यह इंसान है, ऑथर जो लिखता है, प्रकाशक यानी जो किताबें हैं वह पब्लिश यानी प्रकाश करना उसका काम होता है, पाठक यानी हम जो पढ़ते हैं। तो प्रिंटर क्या होती है, प्रिंटर एक वस्तु है जो हमें चीजें प्रिंट करके देती है और ये कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है।
तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा भिन्न जो पद है वह सी यानी प्रिंटर है। दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। बृहस्पति, शुक्र, चांद और अरुण, आपको जो सौर ग्रह है यानी सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, माफ कीजिएगा, सौर मंडल में जो ग्रह हैं बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, इन सबके नाम पता है, किंतु चांद जो है वह चांद सौर मंडल का कोई ग्रह नहीं है, बाकी तीनों सौर मंडल के ग्रह हैं। तो हमारा सही उत्तर जो है वह सी यानी चांद होगा। अब इसमें आपको आकृतियों में भिन्न पद को पहचानना है। यह तो काफी आसान होगा दोस्तों आपके लिए। यदि आप विकल्प ए, सी और डी को देखें तो पहले की जो आकृति है वह बड़ी है और फिर वह छोटी होती जा रही है, यानी ये अवरोही क्रम है। किंतु जो डी में आकृति का क्रम है वह आरोही क्रम है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हमारा जो भिन्न पद है वह विकल्प डी है, जो कि त्रिभुज की आकृतियों का बना हुआ है। आइए दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह चार विकल्प है, इसमें हमें भिन्न पद ज्ञात करना है। एबीसी 2 के बराबर, डीसीबी 23, सीएबी 7, बीईसी 26। तो अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो दाहिनी ओर दिए हुए हैं वो अंक हैं, तो हमें एबीसी को यदि हम 1 2 3 मान लें, जैसे जिस क्रम में वो एबीसी में लिखे जा रहे हैं, ए को 1, बी को 2, वैसे मान के हम कुछ जोड़ घटाव करके ये दाहिनी ओर जो चीज लिखी है उसको उसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो ए यानी जो प्रथमा पद है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म लिखा है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का मतलब यानी प्रथमा पद है। जो प्रथमा पद, ए को 1 लें, बी को 2 और सी को 3, तो जो हम प्रथम पद का वर्ग निकालेंगे और उसको दूसरे टर्म के वर्ग से जोड़ेंगे, उसमें से अगर यदि हम तीसरा टर्म घटाते हैं तो वह उसके बराबर आएगा जो हमारे दाहिनी ओर में जो अंक लिखे हुए हैं। जैसे 1 गुने 1 जोड़ 2 गुने 2 या और 3 हम घटा रहे हैं तो 2 के बराबर आ रहा है। उसी प्रकार से हम डी को 4, सी को 3 और बी को 2 माने तो 23 आ जाएगा। किंतु यदि हम सी ए बी करें तो उस हिसाब से हमें 8 आना चाहिए, किंतु ये 7 आ रहा है। और यदि आप देखें तो बाकी 3 विकल्प जो हमने सोचा है उसका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भिन्न पद है वह सी यानी सी ए बी 7 नहीं होगा, उसे 8 होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मेरा उद्देश्य यह था कि मैं आपको भिन्न पदों के प्रश्नों का अभ्यास करवा सकूं। वैसे तो यह प्रश्न आसान होते हैं, किंतु कुछ जो क्रम, या जैसे हमने अभी कुछ ए बी सी और कुछ अंकों के जो क्रम बन रहे थे उनके कुछ प्रश्न आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, तो आप अच्छे प्रश्नों का प्रयास करें। और दोस्तों इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि OLI को आपका समर्थन मिलता रहेगा।